दोस्तों आज के इस वीडियो के दौरान बात करने वाले ACT वर्सेस PNG यानी कि पपुआ न्यू गुनिया के बीच होने वाले आज के पहले CPU मैच T20 मैच के बारे में एक एक प्लेयर का सारा कुछ एनालिसिस वन बाय वन इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान देना है, वीडियो को आपको बिना स्किप किए पूरा देखना है, आपको सारे प्लेयर्स का सारा एनालिसिस मालूम चल जाएगा। आपको ड्रीम इलेवन में कैसे 11 प्लेयर्स की टीम बनाना है इसके बारे में भी पूरी तरीके से फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले वेन्यू को देखें, ये जो मैच होने लगे आपको डार्विन के मरेरा ग्राउंड स्टेडियम को होने लगे। यहाँ पर आपको 135 रन करीब का एवरेज स्कोर है, 20 ओवर का मैच है। पेसर्स यहाँ पर काफ़ी कमाल के बॉलिंग कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़े से लो स्कोरिंग गेम होने, बारिश होने का कोई भी चांस नहीं है। सबसे पहले मैं देखूँ PNG की टीम ने आखिरी किस अपने 4 मैचेस खेले हुए, 4 में से एक ही मैच अपना विन किया हुआ, बाकी बच्चों तीनों मैच अपना हार करके आ रही है। AC ने इस सीज़न में 4 के 4 मैच अपने हारे हुए, तो पूरा फोकस जो आपको PNG पपुआ न्यू गुनिया के प्लेयर्स को करके चलने की कोशिश करना है। सबसे पहले मैं PNG की टीम की बात करूँ, जिसमें हिरी ओपनर आएगा, यहाँ से हीला वारे के साथ जो कि एज अ विकेट कीपर आएगा, एल सियाका तीसरे पे आएगा, ए वाला नंबर 4 पे आएगा जो कि लीडर से पिक कर रहा है, के दोड़िका नंबर 5 पैक और इसी तरीके से सो ऑन। अगर मैं इनके मेन बॉलर्स की बात करूं, जिनमें पहला नाम आपको यहां से देखने मिलेगा, देखो सबसे पहले यहां से आपको नजर आने वाला है जिसका नाम है के यहां से मोरिया, जो कि मुझे लगता है कि 4 ओवर पूरा करके देना चाहिए। जे करिको भी 3 से 4 ओवर पूरा करेगा, एस कमिया भी 3 से 4 ओवर पूरा करना चाहिए, एन वनुआ भी 3 से 4 ओवर करना चाहिए। तो ये 4 इनके मेन बॉलर्स हैं, लेकिन ए वाला भी आपको कभी भी बॉलिंग करके दे सकते हैं, सी अमिनी भी काफ़ी अच्छा बॉलर है, एस बाऊ भी काफ़ी अच्छा बॉलर है। तो इनकी टीम के पास काफ़ी सारे बॉलिंग ऑप्शन है, 7 बॉलिंग ऑप्शन है। तो इसमें हो क्या रहा है ना कि देखो आखिरी वाले मैच में एस कमिया के ओवर कम किए गए है ना, कमिया को सिर्फ 2 ओवर मिला, उससे पहले में 3 ओवर मिला, और सेम वही जे करिको का भी आखिरी वाले मैच में 1 ओवर कम किया। पहला मैच जब सीजन का खेला था वहाँ पे सिर्फ 1 ही ओवर दिए थे, यानी कि इसके भी ओवर कम किए हुए हैं। के मोरिया ने आखिरी मैच में 1 ही ओवर किया, यहाँ पर भी इसके 1 ओवर कम किए गए हैं। एन यहाँ से वनुआ ने भी यहाँ पर 2 ओवर कम किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इनके ओवर हर मैच में किसी ना किसी के ओवर कम किए जा रहे हैं, लेकिन आखिरी वाले मैच में आपने देखा पूरे 20 ओवर का मैच हुआ भी नहीं है। तो इनके मेन बॉलर्स में मैं आपको सबसे पहले नाम लूँगा जिसका नाम एन वनुआ का 4 ओवर पूरा करेगा, के मोरिया का 4 ओवर पूरा करना चाहिए, उसके अलावा जे करिको भी आपको 4 ओवर पूरा करके देने वाला है। तो ये और उसके अलावा एस कमिया भी, ये 4 बॉलर्स जो है ना इनका मिला करके 14 ओवर के करीब बॉलिंग होगा। बाकी बच्चों जो 6 ओवर होगा ना उसमें 2 से लेकर के 3 ओवर एस बाऊ करके देने वाला है, और 2 से लेकर के 3 ओवर सी अमिनी करने वाला। आखिरी वाले मैच में ये वाला ने एक भी ओवर नहीं किया, लेकिन उससे पहले बच्चों तीनों मैचेस में 2-2 ओवर बॉलिंग किया हुआ है, यानी कि एस बाऊ, सी अमिनी और ए वाला, ये तीनों बॉलर्स का मिला करके आपको करीब करीब 6 ओवर बॉलिंग देखने को मिलेगा। जिनमें से मैं आपको मेन बॉलर्स में सबसे पहले कहूँगा, कहीं ना कहीं PNG की टीम मैच विन करने वाली है, तो PNG के बॉलर्स को आपको फोकस करना होगा, जिनमें मुझे लगता है कि मेन बॉलर के तौर पे आपको सबसे पहले लेकर के चलना चाहिए एन वनुआ को, उसके अलावा आपको एस बाऊ को लेकर के चलना चाहिए, उसके अलावा ए वाला को लेकर के चलना चाहिए। अब आपको सोचना ये है ना कि आपको यहाँ से के मोरिया, यहाँ से एस कमिया, ये दोनों में से किसी एक बॉलर को लेकर के चलने का पूरा फोकस करना। ये दोनों में से कोई आपके लिए विकेट देगा बॉलर रहेगा, दोनों में से कोई एक आपको कमाल की बॉलिंग करके देगा, ये चीज़ को आपको पूरा फोकस करना है। उसके अलावा बल्लेबाजी ऑप्शन में आपको कहूँगा, आपको एल सियाका और हिरी में से किसी एक बल्लेबाज को लेकर के चलने की कोशिश करना है। वहीं सामने अगर मैं ACT कॉमेट्स की टीम की बात करूँ, निकोलस ब्रोस ओपनर आएगा, जैक कॉइस के साथ तीसरे पे बी थॉमस आएगा, फिर मार्क सॉल्वे आएगा और इसी तरीके से सो ऑन। जिनमें लीडरशिप आपको एच जैकब करते हुए नजर आ रहा है, एज अ विकेट कीपर आपको टीम वाने टेम्पेस एज अ विकेट कीपर खेलते हुए नजर आने वाला है। जिनमें से इनके मेन बॉलर्स में सबसे पहले आपको यहाँ से नाम देखने मिलेगा, यहाँ से देखो कि एल इवान ने दोनों मैचेस में 3-3, 4-4 ओवर किया हुआ है, उसके अलावा आप यहां से देखोगे बी फॉन्स ने 3-3, 4-4 ओवर पूरा किया हुआ है, टी हेस ने आपको 3-3, 4-4 ओवर पूरा किया हुआ है, एच जैकब ने 3-3, 4-4 ओवर पूरा किया हुआ है। ये 4 इनके मेन बॉलर्स हैं। पांचवे बॉलिंग ऑप्शन में कई सारे ऑप्शन हैं। एन ब्रोस ने सीजन के हर मैच में 2-2 ओवर बॉलिंग किया हुआ है ना, डी थॉमस ने यहाँ पर दोनों मैचेस में 1-1 ओवर बॉलिंग किया हुआ है, एम सॉल्वे ने यहाँ पर 1 ओवर किया हुआ है, उसके अलावा जे स्लेटर ने 3 मैचेस में मिला करके 5 ओवर बॉलिंग किया हुआ है, के
देखिए यहाँ से ब्रोंकर ने दो ओवर, तीन ओवर, तीन ओवर बॉलिंग किया हुआ, यानी कि इन सारे बॉलर्स में ना, इनके मेन बॉलर्स में चार बॉलर्स का नाम है एल इवांस, बी फॉन्स, टी ए हेस और यहाँ से एच जैकब, ये चार इनके मेन बॉलर्स है। लेकिन पांचवा बॉलिंग ऑप्शन है एन ब्रोस है, पांचवा बॉलिंग ऑप्शन है के ब्रोंकर है, पांचवा बॉलिंग ऑप्शन है जे स्लेटर है। ये तीन बॉलर्स ऐसे जिनका मिला करके आपको करीब करीब पाँच ओवर के करीब बॉलिंग देखने को मिलेगा, पाँच ओवर बॉलिंग देखने को मिलेगा, यानी कि बाकी बच्चों जो चार बॉलर है इनका मिला करके आपको 16 ओवर से लेकर 14 ओवर मिलेगा। एल इवांस के एक ओवर कम किए जा सकते हैं, एक ओवर कम किए रहेंगे, टी हेस का यहाँ पर भी तीन ही ओवर थी, यहाँ पर भी तीन ओवर किया हुआ, यहाँ पर भी तीन ओवर किया हुआ है, एक ओवर यहाँ से बी फॉन्स के भी कम कर सकते हैं। तो ये चीज़ को आपको पूरा फोकस करके चला है कि बी फॉन्स के भी ओवर कम कर सकते हैं ये लोग। मैं इनके मेन प्लेयर्स में एच जैकब को कहूँगा, कन्फर्म आपको लेकर के चला लीडरशिप कर रहा है, एन ब्रूस को लेकर के चला है बल्लेबाजी में भी काफ़ी फॉर्म है, बॉलिंग से भी दो दो ओवर पूरा कर रहा है। उसके अलावा आपको यहाँ से लेकर के चलने का पूरा कोशिश करना है, टी हेस को लेकर के आप चल लेना क्योंकि आपको बॉलिंग भी कर रहा है, बल्लेबाजी में भी रन्स बना करके दे सकता है। एल इवांस को लेकर के चलना, बॉलिंग से काफ़ी फॉर्म में नजर आ रही है, ये चारों प्लेयर आपके लिए ज़रूरी प्लेयर रहेंगे। अब आपको सोचना ये ना कि आपको जैक कॉफ और उसके अलावा यहाँ से बॉलिंग ऑप्शन है, यहाँ से अगर आपका मन है आप यहाँ से बी फॉन्स, ये दोनों में से किसी एक को ले लेना, चाहे आप बल्लेबाजी में जैक कॉफ को लो, चाहे आप बॉलिंग ऑप्शन है बी फॉन्स को लो, ये दोनों में से किसी एक को ले सकते हो। मैं अपने फैंटेसी की टीम में कौन से 11 प्लेयर्स को लूँगा उससे पहले आप में से जितने भी लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए ना, तो ज्वाइन हो जाना क्योंकि 68,000 के करीब सब्सक्राइबर यानी कि लोग पहले ही से फ्री में यहाँ पे ज्वाइन है। आप भी ज्वाइन हो जाना, आगे आने वाला कोई भी मैच चाहे वो 10 ओवर का हो या 20 ओवर का हो, जिसमें भी मैं अपने पैसे लगाऊंगा ना, उसकी फाइनल टीम आपको यहीं पे भेज दूंगा। लाइनअप आने का तो हमेशा ही कोई ना कोई चेंज होंगे, तो टॉस होने का जो भी हमारी फाइनल टीम होगी वो मैं यहीं पे आपको भेज दूंगा। बहुत सारे फ्री गिव अवे हर दिन के हज़ारों लाखों रुपये आप फ्री में अर्न कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको फ्री में ज्वाइन हो करके। हमारे चैनल को आपको ज्वाइन होने के लिए करना कुछ भी नहीं, अभी हमारी वीडियो के टाइटल को आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, डिस्क्रिप्शन में पहुँच जाओगे, जिस भी वीडियो को देख रोगे मैंने सबसे ऊपर आपके लिए लिंक पिन कर रखा है, ना मिले तो कमेंट सेक्शन बॉक्स जाना, सबसे पहला आपको जो कमेंट पिन किया हुआ देखने मिलेगा उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो फ्री में ज्वाइन कर लेना। जैसे ही आप इस ब्लू लिंक के ऊपर क्लिक करोगे हमारे चैनल को पहुंच जाओगे, नीचे आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, फ्री में ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले मैं यहाँ से लेकर के चलूँगा जिसका मजबूरी में के, यहाँ से लेकर के चलूँगा कोरिगा को, बाकी कोई अच्छा ऑप्शन है नहीं। एन ब्रोस हो गया, ए वाला हो गया, दोनों ज़रूरी रहेंगे। बाकी आपको अब एक और काम करके चलना है, देखो के यहाँ से क्यूफ बल्लेबाजी में काफ़ी अच्छा है, छिरी भी बल्लेबाजी में अच्छा, लेकिन टी हेज जो है ना बल्लेबाजी बॉलिंग दोनों चीज़ कर रहा है। के ब्रोंकर को बॉलिंग ज़्यादा मिल नहीं रहा है, बाकी यहाँ से कोई इतना अच्छा प्लेयर है नहीं। एलसीआर का प्लेयर काफ़ी बड़े लेवल का है, लेकिन इस समय इसको मुझे नहीं लग रहा कि लेकर के चलना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं लो स्कोरिंग गेम हो रहा है, रन्स बिल्कुल भी ये बना नहीं पा रहा है। अगर आप मिनी जीएल और मेगा जीएल की रिस्की टीम बना रहे हो, एच हिरी और जॉक कॉफ में से किसी एक प्लेयर को आप लेकर के चल सकते हो, दोनों में से एक कमाल का परफॉर्मेंस कोई ना कोई करके दे पाएगा। एस बाऊ को लेकर के चलूंगा, बाकी सी अमिनी काफ़ी बड़े लेवल का प्लेयर, लेकिन यहाँ पर कई बार एक ओवर, कई बार दो ओवर, कई बार तीन ओवर ऐसे बॉलिंग दे रहे हैं और बल्लेबाजी में तो काफ़ी नीचे आ रहे हैं, तो लेने का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। उसके अलावा यहाँ से वनुआ एक अच्छा बॉलर है, के मोरिया काफ़ी विकेट टेकर बॉलर है, एल इवांस काफ़ी फॉर्म में, एच जैकब जो कि लीडरशिप भी कर रहे हैं ज़रूरी प्लेयर रहेगा, जे करिको भी काफ़ी फॉर्म में नजर आए, जे करिको और एस कमिया में से किसी को आप ले करके चल सकते हो। लेकिन अभी के लिए मैं आपको कहूँगा यहाँ से आपको अरुणिक ऑप्शन में किसी को लेकर के चलना है या फिर बल्लेबाजी ऑप्शन में भी आप किसी को लेकर के चल सकते हो। जॉक कॉफ को आप लेकर के चल सकते हो क्योंकि किसी भी मैच में अभी तक फ्लॉप नहीं हुआ, सब में कहीं ना कहीं से परफॉर्मेंस करके दिया हुआ है। एच हिरी भी काफ़ी अच्छा प्लेयर है, ओपनर आ रहा है, अभी मैं जॉक कॉफ को लेकर के चल रहा हूँ। यहाँ से बी फॉन्स कोई इतना फॉर्म में नजर नहीं आया है, यही रीज़न है कि मैं सी अमिनी को लेकर के चलने वाला हूँ क्योंकि इसका फॉर्म जो है ना भले ही इस समय खराब हो लेकिन प्लेयर काफ़ी बड़े लेवल का है, कभी आपको काफी ज्यादा अच्छा भी करके दे सकता है। और उसके अलावा मैं कैप इसी के लिए सबसे पहले कैप आपको कहूंगा कि लेकर के चलने की कोशिश करना है एच जैकब को जो कि बल्लेबाजी और बॉलिंग दोनों चीज कर रहा है। वीसी के लिए आपके लिए दो अच्छे प्लेयर रहे हैं ब्रूस और के बाऊ, ये दोनों प्लेयर इस समय फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ब्रूस जो है ओवर काफी कम कर रहा है लेकिन बल्लेबाजी में रन बना रहे हैं, एस बाऊ जो है बॉलिंग से भी काफी अच्छा कर रहा है, बल्लेबाजी में काफी नीचे रहा है। बाकी अभी के लिए मैं इसको लेकर के चल रहा हूं, बाकी मेरा मन यह है कि मैं यहां से ब्रूस को वीसी लेकर के चलूं क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रूस चलेगा तभी विन कर सकते हैं, जॉक चलेगा तभी और सी अमिनी चलेगा तभी, ये तीनों हमारे रिस्की प्लेयर रहेंगे। बाकी वीसी के लिए आपके लिए एन वनुआ भी काफ़ी अच्छा प्लेयर,
प्लेयर है, काफ़ी अच्छा बॉलर है। ये एक हमारे एनालिसिस बेस की थी, मैं फाइनल टीम जो भी होगी वो मैं आखिरी के 5 मिनट में इसी तरीके से स्क्रीनशॉट के जरिए अपने टेलीग्राम चैनल को आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स से सबसे ऊपर पिन किया हुआ लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, एक काम कर लेना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूल।